Welcome to Rock Night Love Tarot. Today's topic, your ex-partner current feelings right now. आपके ex-person की current feelings क्या चल रही हैं? आपके ex-person के mind में आपको लेकर क्या चल रहा है? Let's see your ex-partner current thoughts right now. ठीक है? Okay. आपके ex आपको लेकर और क्या सोच रहे हैं? आपके ex के mind में आपको लेकर किस तरीके की situation, किस तरीके के thoughts चल रहे हैं? Let's see. Think about your partner. Think about your situation. आपके ex के mind में आपको लेकर क्या है? ठीक है? करंट फीलिंग्स योर एक्स राइट नाउ, आपके एक्स पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रही है? आपके एक्स आपको लेकर राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं? थिंक अबाउट योर एक्स, थिंक अबाउट योर सिचुएशन, इमेजिन करें अपने एक्स को. ठीक है, अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग्स देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स को. वहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स हैं, पिका कार्ड रीडिंग्स हैं, यहाँ पे डिटेल रीडिंग्स होती हैं, वहाँ पे पिका कार्ड होती हैं, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं. यहाँ से कुछ रेजोनेट ना करें वहाँ से कर सकता है. ठीक है, ओके. नाम है डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स. ठीक है, ओके. योर एक्स करंट फीलिंग्स राइट नाउ, आपके एक्स की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? ओके, ये एक्स आपके एक्स आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन होपलेस हो रहे हैं बहुत ज्यादा. आपके एक्स को नहीं पता अगर ये पर्सन आपसे बात करता है तो आप कैसा बिहेव करेंगे. होपलेस एनर्जी है आपके एक्स में काफी. ये एक्स आपको काफी स्टेबल और ग्राउंडेड देख रहा है. ठीक है, स्टेबल देख रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड. आप बहुत एक्स मेच्योर पर्सनैलिटी की तरह नजर आ रहे हैं अपने एक्स को. आपके अंदर वक्त के साथ बहुत सारे चेंजेस आए हैं, काफी स्टेबल हो चुके हैं, ग्राउंडेड हो चुके हैं, बैलेंस हो चुके हैं. आपके एक्स की फीलिंग्स आपको बहुत ज्यादा स्टेबल देख रही है. ठीक है, आपके एक्स कन्वर्सेशन तो करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, ओपन कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, लेकिन खुद एक होपलेस सी एनर्जी है. आपके पर्सन को जैसे कि जंग शुरू होने से पहले ही हार मान लेना, वो वाली एनर्जी है. ठीक है, जैसे कि बात करने से ही पहले सोच रहे कुछ फायदा नहीं होगा इस चीज़ का, क्योंकि शायद इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है. ठीक है, शायद इस पर्सन का बिहेवियर गलत था. अब आपकी लाइफ में पीस आ चुका है, बैलेंस आ चुका है, आप एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो आपके एक्स को ऐसा लग रहा है कि आप एक सेल्फिश समझेंगे इस इंसान को. ठीक है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, आप बैलेंस हो चुके हैं, आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आया है. ठीक है, आपने अपने आपको बहुत स्टेबल बैलेंस काम कर लिया है. ठीक है, तो चीजें आगे की तरफ मूव कर रही हैं आपकी लाइफ की. ठीक है, चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रही है. तो आपके एक्स को ऐसा लग रहा है कि आप इसको सेल्फिश समझ सकते हैं. ये बहुत ज्यादा होपफुल नहीं है सिचुएशन से, क्योंकि ठीक है आपके जितना बैलेंस नहीं है, आपके जितना स्टेबल नहीं है, काफी माइंड में एक डिस्टर्बिंग एनर्जी है. ठीक है, इर्द गिर्द का माहौल, इसका जो एक पर्सनल इसकी लाइफ के इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएट हुए हुए हैं. ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में अच्छा करता हुआ देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है. ठीक है, वर्गो टॉरस कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, आपके एक्स एरीज भी हो, सैजिटेरियस हो सकते हैं. ठीक है, ये आपके एक्स स्कॉर्पियो हो सकते हैं. यहाँ पर स्ट्रांग एनर्जी है. योर एक्स करंट फीलिंग्स फॉर यू राइट नाउ, आपके एक्स की फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त किस तरीके की हैं? आपके एक्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं? ओके, यहाँ पर ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, कनेक्शन पास में एंड हो चुका है. ठीक है, ये एक्स आपको दूर से बैठकर कहीं ना कहीं देख रहा है और इस रिश्ते में एहसास कर रहा है, इस रिश्ते में बहुत सारा पोटेंशियल था, ये रिश्ता ग्रो कर सकता था. आपके पर्सन के माइंड में बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है. आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है पहले चांस था तो मैंने अवेल नहीं करा, पहले ये सिचुएशन मेरे हाथ में थी तो मैंने सोचा नहीं इन सब चीज़ों के बारे में कि ये इस इंसान के साथ मैं फ्यूचर प्लान कर सकता हूँ, इस रिश्ते में पोटेंशियल है मैं इस पर्सन के साथ. पहले आप इस पर्सन को किसी काम के नहीं लगते थे, पहले इस इंसान को ऐसा लगता था वेस्ट ऑफ टाइम है. ठीक है, वेस्ट ऑफ टाइम है, अपना टाइम, अपना अपना माइंड सेट सब कुछ वेस्ट करने की बात है इस पूरी सिचुएशन में. ठीक है, तो एक वक्त वो गुजर गया, आपके पर्सन पास में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे आपको लेकर, गोस्टिंग एनर्जी थी, 7-7 की एनर्जी है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस बना रहा. ठीक है, इस कनेक्शन में एक डिस्टेंस वाली एनर्जी थी, आप लोग एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे रहे, एक लॉन्ग टाइम तक डिस्टेंस पे रहे आप दोनों. ठीक है, आपके पास या आपके एक्स के पास कोई पैट हो सकता है. ठीक है, लेकिन एक डिस्टेंस आया है. ठीक है, एक डिस्टेंस आया है आप दोनों के बीच. ये पर्सन डिस्टेंस आने के बाद ये फील कर रहा है इस रिश्ते में पोटेंशियल था. आप इस पर्सन के लिए एक द लवर, बहुत एक सोलमेट काइंड एनर्जी आप फील करवाते हैं इसको. ठीक है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग चल रही है लेकिन एक्शन लेने के बजाय, जैसे कि होता है ना चीज़ों को सोचना, चीज़ों को सोचते रहना और ख्याली पुलाव बनाते रहना, ये स्टॉक कर रहा है आपको, कहीं ना कहीं से देख रहा है. ठीक है, आपका एक सोल ग्रुप मेंबर हो सकता है ये इंसान. ठीक है, आपके साथ इसका जैसे कि बहुत कुछ कनेक्टेड है, इसको कहीं ना कहीं फील होता है कि आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता था, आपके साथ एक पॉजिटिव डायरेक्शन बनी
बन सकती थी, आपके साथ चीजें पॉजिटिवली मूव कर सकती थी। इस पर्सन ने पहले नहीं सोचा, एक ओवर थिंकिंग में इंसान दूर से बैठकर ओवर थिंकिंग में है, आपको कंटिन्यूसली आपको सोच रहा है। आप लोग के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं, इस पर्सन का कोई ना कोई फ्रेंड कोई एक हो सकता है जिसके बारे में आपसे आपके बारे में जिससे बात करता है, कम्युनिकेट करता है, लेकिन आप लोगों के बीच एक अच्छा बॉन्ड था। आप लोग सोल ग्रुप मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों के बीच एक अपनाइयत सी, चाहे कितनी डिटैचमेंट थी, चाहे कितनी ही नेगेटिविटी थी, लेकिन एक अपनाइयत सी थी, एक होता ना क्लोजनेस थी। इस इंसान को जो पोटेंशियल अब दिख रहा है, जो वैल्यू अब नजर आ रही है आपकी, वो पहले कभी नजर ही नहीं आई। इसने कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया या तो आप पे, इसने कभी इतना समझने की आपको कभी कोशिश ही नहीं करी। अब जो समझ रहा है ना आपको लेकर, अब जो इसका ध्यान है, जिस नजर से ये अब देख रहा है राइट नाउ, ये कह सकते हैं, ठीक है, वो नजर से ये पहले कभी देख ही नहीं रहा था, ठीक है। जो आप जैसे आपकी नजर बदली है, जैसे आपने इसके बारे में सोचना बंद करा, अब देख रहा है। तो आपके एक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, एक ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। इंसान एक ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, आपको लेकर सोच रहा है, कंटिन्यूसली आपको लेकर सोच रहा है। योर एक्स पार्टनर करंट थॉट्स, क्या क्या सोच में रहता है आपको लेकर, क्या सोच रहा है, ऐसा क्या चल रहा है इतना पॉजिटिव जो ये मेरे व्यूअर को लेकर अब वैल्यू कर रहा है, अब पोटेंशियल देख रहा है इस रिश्ते में, काफी स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, लेकिन होपलेस एनर्जी भी है, ठीक है भाई। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस बन चुका है, स्ट्रांगली एक डिस्टेंस आ चुका है, ये सिचुएशन खत्म हो चुकी है, बुरे तरीके से एंड हुई है ये कनेक्शन, एक डिस्टेंस आ चुका है, आप लोग के बीच एक फेस खत्म हो चुका है, और आप ये डिस्टेंस एक वेट करते करते खत्म हुआ। ये इंसान जानता है आपने किस हद तक वेट करा है इस सिचुएशन के डेवलप होने का, इस सिचुएशन के बनने का। एक सोल बॉन्ड है आप दोनों का, ठीक है, एक सोल बॉन्ड है आप लोग के बीच, जो फील होता है ना, एक सोल बॉन्ड फील होता है, एक अपनाइयत सी, एक फैमिली, एक इमोशंस कनेक्टेड है। वो कैसे इमोशंस कनेक्टेड है एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते, ठीक है। आप दोनों ने एक दूसरे की लाइफ में आके एक दूसरे की सोल को डेवलप किया है, एक दूसरे की सोल को ग्रोथ दी है, ठीक है। लेकिन आप लोग के बीच कोई जैसे कि कर्मा जुड़ा हुआ था, कोई डार्क आप लोग के बीच एक टॉक्सिक कर्मा जुड़ा हुआ था, जो आप लोगों ने बैलेंस किया है एक दूसरे के सामने आके, एक दूसरे को ट्रिगर करा है, बहुत सारी मतलब के एक दूसरे की सोल को डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है, आपको पता है ट्रिगर होता है उसके अंदर, और ट्रिगर बहुत ज्यादा पेनफुल होता है जब ट्रिगर मिलता है हमें किसी से, तो यहाँ पे ट्रिगर वाली एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल सोल कनेक्शन है ये, कोई सोल मेट, एक सोल बॉन्ड है आप दोनों का, ओके, बिल्कुल सोल मेट, एक सोल बॉन्ड, यहाँ पे टू ऑफ कप्स, द लवर और सिक्स ऑफ कप्स, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, सोल बॉन्ड कनेक्शन है। आपके पार्टनर सब कुछ खत्म होने के बाद बहुत ज्यादा पास्ट को लेकर स्ट्रेस में है, बहुत ज्यादा पास्ट एक्शन, पास्ट बिहेवियर, पास्ट मूवमेंट आपके पार्टनर को स्टक करती है। आप इस रिश्ते की वजह से काफी कंफ्लिक्टेड हो चुके हैं, ठीक है, आप इस रिश्ते की वजह से काफी काफी एक डिफीटेड, डार्क, एक डार्क एनर्जी, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट से गुजरते हैं। आपने इस रिश्ते में अपने इमोशंस से, जैसे कि अपने इमोशंस को आपने एक हाथ उठा लिया, आप इमोशंस से फ्री होना चाहते हैं, आप नहीं चाहते, आप सोचें ये पर्सन इमोशनल होकर सोचता तो है लेकिन होल्ड बैक करके रखता है, आपको बोलता नहीं है। आप ओपन अप होने वाले इंसान थे, आपने बहुत बार ओपन अप हुए इमोशंस को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस इंसान को सिर्फ एक ही खौफ था, ये आपको जस्टिस दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये आपके साथ वो बैलेंस कर पाएगा नहीं कर पाएगा, या यहाँ पर आप इस पर्सन को जितना समझ में आता है आप यहाँ पर मैरिज ही डिमांड करते थे, ठीक है, या मैरिज के बारे में ही सोचते थे, तो ये पर्सन रेजिस्ट करता था कि ये आपको इक्वल दे पाएगा नहीं दे पाएगा, ये इक्वल ही इस वक्त इन्वेस्ट नहीं करता तो क्या आपको मैरिज और रिलेशनशिप और स्टेबिलिटी का हक दे पाता, ठीक है। आप काफी ज्यादा यहाँ पर मतलब कि आपको कोई भड़काने वाला मुझे नजर नहीं आ रहा है, आपको कोई गलत मिसगाइड करने वाला नजर नहीं आ रहा, एक आदि कोई हो सकता है जो आपको कहता हो कि छोड़ दो इस सिचुएशन से निकल जाओ मुझे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा आपका जो है एक लिमिटेड ऑरा है, आप अपने पर्सनल इश्यूज बहुत सारे लोगों से डिस्कस नहीं करते, ठीक है, मतलब कि मुझे आपको आपके पार्टनर में जो फेयर नजर आ रहा है ना, एक जस्टिस का, बैलेंस करने का, मैरिज देने का, ये फेयर है आपके पर्सन का, आपके पर्सन को हमेशा डाउट रहा है, आपके पर्सन एक रनर की तरह पेश आए इस पूरे रिलेशनशिप में, आपके एक्स एक रनर की तरह भागते रहे हैं, जब आपकी जरूरत हुई आपकी हेल्प तो ले ली है लेकिन आपकी कभी हेल्प नहीं करी है, आप इस पर्सन के लिए थे ये कभी आपके लिए था ही नहीं इस पूरी कंडीशन में, इस पूरे रिलेशनशिप में आप इसके लिए हमेशा थे, इसकी मदद करने के लिए, इसका इसके लिए एक हेल्पिंग हैंड रखते थे आप, ठीक है। ये और क्या सोच रहा है आपको लेकर, आप लोग का कोई सोल कनेक्शन है, काफी क्लैरिटी मिल रही है इस इंसान को आपको लेकर, ठीक है, इस इंसान को समझ में भी आ रहा है इसके अंदर हमेशा से फेयर क्या रहा, आपको स्टेबिलिटी देने का, आपको मैरिज देने का, या आपको कमिटमेंट देने का, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन एक कंफ्यूजन से, ब्लाइंड फोल्डेड एनर्जी से
ऐसा हो सकता है कोई दो ऐसे इसके फ्रेंड्स हो जिसको नेगेटिव बोलते हैं इस रिश्ते के बारे में, ये पर्सन काफी ज्यादा एक अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है, एक अकेलापन इसके अंदर चल रहा है, ये पर्सन अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाना चाहता है, ठीक है, अब स्टेबल कनेक्शन चाहता है, अब ये अपने आप की हीलिंग कर कर किसी स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है, ये अपनी लाइफ में अब स्टक नहीं रहना चाहता है, हैंग नहीं रहना चाहता, इसको ऐसा लग रहा है कि अपनी जिंदगी में अब वो डिसीजन लेने चाहिए जो इसकी लाइफ को स्टेबल करें, ग्राउंडेड करें, ऐसे रिश्तों की तरफ मूव करना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म प्लान करें, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो जिसमें एक स्टेबिलिटी हो, जिसमें एक पॉजिटिविटी हो, आपके एक्स का थॉट अब इस तरफ चल रहा है, ठीक है, ये अगर ये मैरिज और कमिटमेंट फोबिक रहा है, ये इंसान मैरिज और कमिटमेंट से भागता रहा है, तो अब ये डिसाइड कर रहा है कमिटमेंट और मैरिज, ठीक है, इसके माइंड में चल रहा है मुझे मैरिज करनी है, मुझे कमिटमेंट करनी है और मुझे सेटल डाउन होना है, अब मैं इस तरीके से लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना और फिर उस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं है ऐसा हो सकता है, इसको डाउट हो, इसको ट्रस्ट इश्यूज हो, इसको लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना इस दौर में बहुत मुश्किल है, उस तरीके का इंसान हो सकता है, इसने हमेशा एक प्लेयर काइंड रिलेशनशिप या प्लेयर काइंड एनर्जीज में गया और इसने सोचा शादी तो घर वालों की मर्जी से कर लेंगे, ठीक है, या तो फैमिलियों में से कर लेंगे, या तो कजन्स मैरिज कर लेंगे, या तो घर वालों की मर्जी से कर लेंगे, अभी सिर्फ एक इंजॉय करते हैं, अगर इस इंसान ने आपसे बात भी की थी तो इसको नहीं लगा था कि आप लोग का रिश्ता इतना सीरियस हो जाएगा या आप लोग किसी इतने सीरियस रिलेशनशिप में जाएंगे, ये इंसान हीलिंग करना चाह रहा है, बैलेंस चाह रहा है, बहुत सारा स्ट्रेस बेयर कर रहा है, ये पर्सन नहीं चाह रहा अब अपनी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रेस उठाना, ये चाह रहा है कि चीजों को सॉल्व किया जाए, अपनी लाइफ की विश फुलफिलिंग, ये कुछ विश कर रहा है अपनी जिंदगी में, ठीक है, बिल्कुल, ये एक सोल काइंड रिलेशनशिप विश कर रहा है ये आपका एक्स, ठीक है, जिसकी सोल को सेटिस्फाई करे, जिसकी सोल को बैलेंस करे, आपको होल्ड करके बैठा हुआ है अपने दिल दिमाग में, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो फील हुआ, आपके साथ जो एक सेटिस्फेक्शन फील हुई, जो आपके साथ जो एक अपनाइयत फील हुई, वो किसी और के साथ कभी भी नहीं हुई, ये मैनिफेस्ट कर रहा है राइट नाउ आपको, ठीक है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, इस रिश्ते के लिए अपने ऊपर भी काम करना चाहता है और बहुत स्टेबल और ग्राउंडेड सी एनर्जी इस पर्सन की, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली आपके पर्सन को, शायद पास में आपको लेकर बहुत ज्यादा खास क्लैरिटी नहीं थी, अब क्लियर कट इसका माइंड सेट क्लियर हो गया है, इसको क्लैरिटी मिली है, ये आपके साथ एक बैलेंस चाह रहा है, स्टेबल एनर्जी चाह रहा है, स्टेबिलिटी चाह रहा है, कमिटमेंट चाह रहा है, सिचुएशन सॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है, अब स्टेबल होके सोच रहा है, बहुत प्रैक्टिकल होके सोच रहा है, स्टेबल होके सोच रहा है, इसका माइंड सेट चल रहा है, अब इसका माइंड मैरिज करने का है, ठीक है, प्रोवाइडर हो सकता है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला इंसान हो सकता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, इसके ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा है, ठीक है, यहाँ पर आप वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, आपको आज भी शायद अपने एक्स का वेट है, आपने आपको बैलेंस आपने खुद को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है, स्टेबल किया हुआ है आपने अपने आप को, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आपने खुद को खुद के अंदर बहुत सारे चेंजेस लेकर आए हैं, ठीक है, आप खुद को बहुत ज्यादा चेंज किया आपने, स्टैग्नेंट एनर्जी ने आपको चेंज किया, इस इंसान की स्टकनेस ने या इस इंसान के आपको इम्बैलेंस करने ने, ठीक है, बहुत ज्यादा चेंज लेकर आए, अपनी लाइफ में आगे की तरफ रिस्क टेकिंग करने के लिए रेडी है, लेकिन आप किसी भी आर्गुमेंट में नहीं फंसना चाहते, इवन कि मुझे आपके पर्सन का भी माइंड नहीं लग रहा, अगर ये इंसान आएगा तो काफी क्लैरिटी लेकर आएगा, आप इसकी गोस्टिंग एनर्जी नहीं चाहते, आप क्लैरिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं ये आए तो पॉजिटिव डायरेक्शन लेकर आए, पॉजिटिव माइंड सेट लेकर आए, एक जस्टिस लेकर आए आपकी तरफ, ठीक है, आप यहाँ पर अपनी जिंदगी में जस्टिस का वेट कर रहे हैं, इक्वलिटी का वेट कर रहे हैं, आप ये नहीं आप रिलेशनशिप बनाना चाहे तो आज बना सकते हैं, लेकिन आप एक जस्टिस का वेट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग, आप जब रिस्क टेकिंग करेंगे, आप जब अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाएंगे, जब आपको एक मैरिज कमिटमेंट एक जस्टिस, ठीक है, आपके माइंड में बैक ऑफ द माइंड मैरिज चल रही है, कमिटमेंट चल रही है, आप स्टक हैं अपनी लाइफ में, आप किसी और को एंटरटेन करना नहीं चाहते क्योंकि आपको मैरिज चाहिए, ठीक है, आप बहुत सारे लोगों की डार्क साइड देख चुके हैं, आप बहुत सारे लोगों की नेगेटिविटी देख चुके हैं, आपने खुद को हील करा है, खुद को बैलेंस करा है, खुद को पॉजिटिव करा है, अपनी लाइफ में पीस की तरफ मूव करना चाहते हैं, अब आप नहीं चाहते कोई भी टॉक्सिक पर्सन मतलब अपनी लाइफ में डील करें, इवन के इस पर्सन को भी एक टॉक्सिसिटी में डील नहीं करना चाहेंगे, अगर ये आपको समझ में नहीं आएगा आप इसको कट ऑफ करने में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी सोल ग्रोथ हुई है, आपका एक सोल यहाँ पर बहुत ज्यादा एक सोल डेवलपमेंट रही इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, ठीक है, ये एक्स रहा कुछ भी रहा लेकिन आपकी सोल ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है इस पूरे रिलेशनशिप में रहकर, आपने भी इस इंसान को ट्रिगर करा है और इस इंसान ने भी आपको ट्रिगर कराए, ठीक है, ओके, क्या एडवाइस है आपके लिए लच्छी, अच्छा, ट्रीट योर लाइक बॉडी लाइक द पैलेस इट इज, ठीक है, आपको अपनी बॉडी को पैलेस की तरह ट्रीट करना चाहिए, मतलब कि फील करें, एक अच्छी फीलिंग्स पर रहें, जस्टिस इज कमिंग, आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है, आपको जस्टिस चाहिए, आप जस्टिस को डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, री राइट, यू कैन ऑलवेज री राइट योर स्टोरी, ठीक है, आप हमेशा अपनी रीराइट कर सकते हैं स्टोरी, आपको जो दिल चाहे आप वो करें, ठीक है, डोंट बी अफ्रेड टू साइन, ठीक है, यहाँ पे आप बहुत ज्यादा जल्दबाजी में नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा आप अफ्रेड ना हो इस पूरी सिचुएशन में, ठीक है, यहाँ पे है बी योर ओन योर फर्स्ट प्रायोरिटी, ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटी हैं फर्स्ट, ठीक है, ओके, यू कैन मैनिफेस्ट
एवरी विश, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, ठीक है? आप अपनी हर ख्वाहिश को खुद मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मैनिफेस्टेशन करें. आपकी मैनिफेस्टेशन के डोर्स ओपन है, आप मैनिफेस्टेशन आपकी वर्क कर रही है, ठीक है? यहाँ पे है योर पोटेंशियल इज एंडलेस. आपका जो पोटेंशियल है वो एक एंडलेस पोटेंशियल है. आपने आपने पोटेंशियल में बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक पॉजिटिव एनर्जी है. इंसान अब स्टेबल होकर सोच रहा है आपको लेकर, क्योंकि अब आप इसको एक इमेच्योरिटी वाला चांस देने भी नहीं वाले, ठीक है? यहाँ पर अपने एक्स को जो हो चुका है वो आप वापस उसको रिपीटेड वे में आप उसको खराब भी नहीं करेंगे अपनी जिंदगी में. आपने डिसाइड कर लिया है अगर इसको आना है तो इसको पॉजिटिव तरीके से आना है, इसको आना है तो एक बैलेंस लेकर आना है. आप किसी भी तरीके की नेगेटिविटी या किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी आप बर्दाश्त तो करेंगे नहीं, ठीक है? आपके अंदर एक एंडलेस पोटेंशियल है, ठीक है? आप उसके ऊपर ध्यान दें. वेट, एक कार्ड गिर गया. ओके, एक एंडलेस पोटेंशियल है, ठीक है? यहाँ पर एक मेच्योरिटी, प्योरिटी. आप अपनी लाइफ में रिमेंबर टू प्रैक्टिस सेल्फ लव, ठीक है? प्रैक्टिस करते रहा करें, सेल्फ लव को भूला ना करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ओके, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. ओके, अपने सेल्फ के लिए फाइट करें, जो सही है उसको एक्सेप्ट करें, ठीक है? डोंट डाउट योर वर्ड्स, अपनी वर्ड पे डाउट मत किया करें. आई एम ऑलवेज इनफ, आप अपने लिए इनफ हैं, ठीक है? एक इनफ वाली पर्सनालिटी है. स्टार्ट अ रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन है, ठीक है? कोई ना कोई रेवोल्यूशन लेते रहा करें, कोई स्टार्ट करें, ठीक है? यहाँ पर आपकी लाइफ में डेंजरस टाइम, डेंजरस सिचुएशन खत्म हो चुकी है, ठीक है? टेक योर सेल्फ आउट ऑन दैट, आउट ऑन अ डेट, ठीक है? आपको एक डेट पे जाना चाहिए, अपनी लाइफ में एक डेट प्लान करनी चाहिए अपने सेल्फ के साथ, ठीक है? अपने सेल्फ को जितना खुश रखने की कोशिश कर सकते हैं करें, क्योंकि अब तक आपने दूसरों को खुश रखने की कोशिश करी है, ठीक है? जो रिश्ते बने हमेशा आपने सोचा, चाहे वो पर्सनल बने, चाहे वो आपके लव रिलेशनशिप बने, जो आपकी चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, चाहे आपके अपने हो गए, आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमास मिले हैं अपने पर्सनल रिश्तों से भी. पेरेंट्स, मदर, ब्रदर, सिस्टर, बहुत ज्यादा एक ट्रॉमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं. आपने हमेशा दिया है, कभी भी आपने अपने अपने लिए नहीं सोचा, ठीक है? हमेशा आपने दूसरों के लिए किया. ये टाइम है अपने आप को चूज करने का, ये टाइम है अपने सेल्फ को रिकॉग्नाइज करने का, ये टाइम है अपनी लाइफ को, अपने पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने का, ठीक है? तो स्टूडियो को यहीं पर, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब. थैंक यू.